बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ नाइन्थ क्लास। कंप्यूटर साइंस में हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 3, और इसमें हमने स्टार्ट की है इनपुट डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहले हमने कीबोर्ड पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी जिसमें माउस, और हमने ट्रैक बॉल के बारे में डिस्कशन की। उससे अगले लेक्चर में हमने जॉयस्टिक और स्कैनर पढ़ा, फिर हमने माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन डिस्कशन में लेकर आए। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें इनपुट डिवाइसेस का बहुत सारा इल्म हो गया, हमें बहुत सारा नॉलेज पता लग गया कि किस डिवाइस के ज़रिए से हम क्या काम करते हैं, और इनमें मोस्टली ऐसी डिवाइसेज हैं जो आज यूज़ में हैं, आप लोग यूज़ करते होंगे। लेकिन आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है लाइट पेन और डिजिटल कैमरा। लाइट पेन आर्टिकल नंबर 3.1.7 है बुक का, और 3.1.8 है डिजिटल कैमरा। लाइट पेन और डिजिटल कैमरा ये दोनों इनपुट डिवाइसेज हैं चूँकि, और एक बड़ी अहम बात इसमें याद रखनी है कि लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर बता रहा हूँ कि पॉइंटिंग डिवाइसेस 4 इस बुक में मेंशन है, वैसे बहुत सारी होती हैं, 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस मेंशन है। पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास वो हमने माउस पढ़ी, उसके बाद ट्रैक बॉल हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जॉयस्टिक पढ़ा, और चौथी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो लाइट पेन है। इसके अलावा भी होती हैं, टच पैड होता है, पॉइंटिंग स्टिक होती है, और दीगर कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन हमने जो पढ़नी है वो ये 4 इस बुक में नाइन्थ क्लास में मेंशन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिए, अगर कहीं एग्जांपल लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। लाइट पेन का क्या काम है अब ये देखते हैं। देखें, जिस तरह से हमारा ऑर्डिनरी मतलब आम सा पेन होता है, ये भी उस तरह दिखने वाला पेन है, दिखता वैसे ही है, लेकिन ये एक डिजिटल पेन है। डिजिटल पेन से मुराद है कि हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम इस पेन के ज़रिए से टच करते हैं। असल में इस पेन को बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम डिजिटल ड्राइंग्स कर सकें, क्योंकि टच तो हम अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये था कि हम ड्राइंग्स कर सकें। जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं या जो डिज़ाइनिंग करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, तो उनके लिए टैबलेट बनाया गया था। आज जो टैबलेट्स यूज़ होते हैं, तो टैबलेट को बनाने का मकसद ये था कि उसके ऊपर डिजिटल ड्राइंग हो सके। जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं मुख्तलिफ नक्शे वगैरह बनाते हैं या ड्राइंग्स करते हैं, तो जब ये कहीं पे जाएं ट्रैवल करें तो इनके पास इनके बैग में इनका टैबलेट हो, और उस टैबलेट के साथ एक पेन हो जो लाइट पेन हो कहलाता है, और वो कहीं पे भी जाएं तो वहाँ पे वो ड्राइंग कर सकें, बजाय इसके कि वो पेपर और चार्ट लेके जाएं उसके ऊपर करें, फिर उसको रेज करना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन टैबलेट को बनाने का मकसद असल में ये था, जो टैबलेट को बनाने का मकसद जो है वो कॉल वगैरह करना नहीं था, मकसद इसका ये था टैबलेट का कि हम इसके ऊपर ड्राइंग्स कर सकें, डिजिटल ड्राइंग कर सकें। और टैबलेट के ऊपर ड्राइंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट पेन को, वैसे तो फिंगर से भी वो टच हो जाता है, लेकिन जब ड्राइंग करनी हो स्पेसिफिकली तो फिर हम यूज़ करते हैं लाइट पेन को। तो लाइट पेन का ये काम है, लाइट पेन जो है ये हमारे टैबलेट के साथ अटैच होता है वायरलेसली, मतलब इसके साथ वायर नहीं होती, हम इसी तरह से अटैच उसके साथ इसके ऊपर यूज़ करते हैं टैबलेट के ऊपर मुख्तलिफ ड्राइंग्स करने के लिए, मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए, और सिंपली अगर कुछ इरेज करना है तो इरेजर का टूल होगा वहीं पर स्क्रीन पर, इरेजर का टूल सेलेक्ट करके उसको हम इरेज कर लेंगे। तो ये लाइट पेन का काम है असल में। लाइट पेन के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। लाइट सेंसिटिव डिवाइस मतलब इसको लाइट पेन क्यों कहा जाता है, मतलब इसका नाम लाइट पेन क्यों रखा गया, क्योंकि लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। लाइट सेंसिटिव का मतलब है ये लाइट को सेंस करता है। जैसे हमारी जो स्क्रीन होती है मोबाइल फ़ोन्स की, जो टच सिस्टम्स होते हैं, जो टच पैनल्स होते हैं, वो टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब टच को सेंस करते हैं, उसके साथ कोई चीज़ टच करें तो उसको सेंस करेंगे। लेकिन लाइट पेन जो है ये किसको सेंस करता है, लाइट को सेंस करता है। कौन सी लाइट? मोबाइल फ़ोन की या टैबलेट की, जिसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम स्क्रीन के पास लेके जाते हैं तो उसमें से जो लाइट की रेज निकलती हैं ये उनको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद फिर स्क्रीन पे टच करता है, कमांड देता है, इसके ज़रिए से हम स्क्रीन पे फिर कमांड देते हैं। तो मुख्तलिफ स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स पे जब इसको टच करते हैं तो वहाँ पे जो भी कमांड होती है वो सेलेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर जैसे हम टैप करते हैं अपनी फिंगर से वही वाला काम होता है। तो ये काम है हमारे लाइट पेन का, इस वजह से इसको लाइट सेंसिटिव डिवाइस कहा जाता है, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए से कर्सर को मूव करते हैं, हम जब ड्राइंग कर रहे होंगे तो कर्सर को मूव कर रहे होंगे बाय यूजिंग लाइट पेन, ठीक है। तो ये लाइट पेन का काम है। उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। हमने पढ़ा था कंप्यूटर में जब हमने टेक्सचुअल डाटा एंटर करना हो तो कीबोर्ड यूज़ होता है, इमेज डाटा एंटर करना हो स्कैनर यूज़ होता है, ऑडियो डाटा यूज़ करना एंटर करना हो तो माइक्रोफोन यूज़ होता है, जबकि अगर हमने कंप्यूटर में वीडियो डाटा एंटर करना हो तब हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है डिजिटल, इसका क्या मतलब है? एक तो ना सिंपल कैमरा, लेकिन डिजिटल कैमरा क्या है? मैंने आपको पहले बताया था जो चीज़ कंप्यूटर में चलेगी वो डिजिटल फॉर्मेट में है। तो पहले जो कैमरा सिला करते थे पुराने, उनमें ये सिस्टम नहीं था, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं थे, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, वो तस्वीरें कैप्चर करते थे
और नेगेटिव्स के ऊपर ही सारे काम होते थे। लेकिन आज जो हमारे पास कैमराज यूज़ हो रहे हैं वो डिजिटल कैमराज हैं, मतलब उनमें जो भी वीडियो कैप्चर की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो कैमरा में सेव होती है। और कैमरा जो है वो आज अंदर से मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करता है, उसी तरह प्रोसेसर, उसी तरह उसकी स्टोरेज मेमोरी होती है। आपको पता है कि मेमोरी कार्ड्स आज उनमें होते हैं कैमराज में, जहाँ पर हमारा डाटा सारा स्टोर होता है। तो स्टोरेज वाला भी सिलसिला उसका सिस्टम वही है जैसे कंप्यूटर का होता है। तो वीडियो जो है वो इसमें कैप्चर होती है और इनपुट हो जाती है कंप्यूटर में। इसके बाद हम कंप्यूटर में वीडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे अपने कैमरा को या मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसमें हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपनी वीडियो को। तो ये काम है हमारे डिजिटल, इस वजह से इसको डिजिटल कैमरा कहा गया। आज हम क्या करते हैं, वीडियो बनाने के बाद या पिक्चर कैप्चर करने के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं, स्पेस हम फ्री कर सकते हैं। लेकिन पुराने जो कैमराज थे उनमें ना तो स्टोरेज थी और ना ही ये ऑप्शन थी। अगर एक तस्वीर कैप्चर हो गई है तो बस वो हो गई, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया डिजिटल फॉर्मेट में है, हम उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको डिजिटल कैमरा कहा जाता है। तो इसके ज़रिए से हम वीडियोस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वीडियोस कैप्चर करने के बाद। आज जो हमारे पास कैमराज हैं डिजिटल कैमराज, वो बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी के कैमराज हैं और बहुत ही अच्छी वीडियोस जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं और इमेजेस भी वो अच्छी क्वालिटी की कैप्चर करते हैं। तो यही इस बुक में सारी बातें मेंशन हैं और इनके बारे में पहले भी आपको पता होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक है हमारा डिस्क ड्राइव का, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।